गुजरात के वडोदरा नगर में 120 किलोमीटर दूर स्थित सीताराम तहसील में एक गांव है। इस गांव में पर्वत गाला नाम का 60 वर्षीय बुजुर्ग रहता है। ये बुजुर्ग एक किसान है जो घटना वाले दिन अपने मक्के की फसल को ट्रक में चढ़वा रहा था। जब वो ऐसा कर रहा था तो अचानक एक सांप बीच में आ गया और उस बुजुर्ग को काट लिया। डसने के बाद जब सांप भागने लगा तो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ा और उसने गुस्से में उस सांप को उठाकर अपने दांतों से काट लिया। ऐसा करने की वजह से सांप की मृत्यु हो गई। उधर गांव के लोगों ने पीड़ित बुजुर्ग रना को एक अस्पताल में ले गए। वहां उसे इंजेक्शन दिया गया, फिर उन्होंने बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी। हालांकि जब ऐसा किया गया तो देर ही हो चुकी थी और सांप के जहर की वजह से बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने सांप को डसने को लेकर केस दर्ज किया गया और मामले की जाँच की गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह पूरी घटना अपने आप में बहुत विचित्र है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग समझने आया कि आखिर बुजुर्ग ने सांप को क्यों काटा। कुछ लोगों का मानना है कि उसने ऐसा गुस्से का बदला लेने के लिए किया हो। पीएम न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।